नमस्कार साथियों, मैं विपुल बाली, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट यूथ, आज एक बड़े इम्पॉर्टेंट इशू पे आपसे बात करने आया हूँ। ये इम्पॉर्टेंट इशू मैं और मेरी पार्टी ने टेकअप किया रिफ्यूजीज़ की कंपनसेशन का। हमने पिछले 6 महीने से प्रेस नोट्स के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बार बार सरकार से ये अपील की कि आप रिफ्यूजीज़ का हक रिफ्यूजीज़ को दे दीजिए, मगर बदकिस्मती से 5.5-5 लाख रुपया दे के वो फाइलें कहीं कोने में दबा दी गई। ये गूंगी बहरी सरकार को ऐसा लगता है कि जब तक लोग सड़क पे ना उतरें और जब तक इनको वोट का खतरा ना हो जाए, तब तक ये किसी की बात मानते नहीं है। हम जम्मू कश्मीर पार्टी और मेरी पूरी टीम 17 नवंबर को पनामा चौक में भूख हड़ताल करने जा रही इस इशू पे, और मैं चाहता हूँ कि तमाम रिफ्यूजी भाई और जम्मू की जनता खास तौर पे इस इशू पे हमारी सपोर्ट करें। जब तक ना हम एक लम एक जगह अपनी बात को उठाएंगे, तब तक ये सरकार सुनती नहीं है। हमने हाल ही में देखा महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी पे पूरी जनता ने जम्मू की एक सुर में आवाज़ उठाई, और उस सुर का आवाज़ का रिजल्ट ये हुआ कि महाराजा हरि सिंह जी की हमें छुट्टी दी गई। और इसमें एक मीडिया ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मैं इस वीडियो के माध्यम से मीडिया बंधुओं से भी अपील करूंगा कि इशू में उठाने में मेरी और मेरी पार्टी का सहयोग करें, ताकि जो रिफ्यूजियों का हक है वो उसको मिल सके। मैं आपसे फिर एक बार अपील करता हूं कि आने वाली 17 नवंबर को सुबह 10 बजे पनामा चौक जो पार्क है वहां पे पहुंच के इस एजिटेशन का सपोर्ट करें, ताकि रिफ्यूजी भाइयों को उनका हक मिल सके। जय हिंद, जय भारत।